हाँ जी, मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ। हथेली के 11 तिल, जानिए आपके जीवन पर कैसा होता है इसका असर। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेली की रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी कभी हथेली में काले तिल भी बन जाते हैं। हथेली के अलग अलग भागों पर बनने वाले तिल अलग अलग बातों की भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ जानिए हथेली के तिल और उनके फल से जुड़ी बातें। ध्यान रखें, पुरुषों से दाएं हाथ और स्त्रियों के बाएं हाथ का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। साथ ही यहाँ बताए जा रहे फल हथेली के अन्य शुभ अशुभ योगों से बदल भी सकते हैं। शुक्र पर्वत, हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति के विचारों की पवित्रता खत्म हो सकती है। चंद्र पर्वत, जिन लोगों की हथेली में चंद्र पर्वत पर तिल है उन्हें पानी, नदी, तालाब, कुएं, समुद्र से सावधान रहना चाहिए। इनके विवाह में भी देर हो सकती है। गुरु पर्वत, यदि गुरु पर्वत पर तिल होता है तो विवाह में परेशानियां आती हैं। किसी भी काम में उचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, कड़ी मेहनत करना पड़ती है। शनि पर्वत पर तिल होने से विवाह में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन भी संतोषजनक नहीं रहता है। सूर्य पर्वत पर तिल है तो मान सम्मान के लिए शुभ नहीं होता है। यहाँ तिल हो तो व्यक्ति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ सकता है। बुध पर्वत, यदि किसी व्यक्ति की हथेली के बुध पर्वत पर तिल है तो अचानक कोई नुकसान हो सकता है। ये पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे होता है। जीवन रेखा, यदि जीवन रेखा पर तिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, इस रेखा पर तिल हो तो गंभीर रोग हो सकता है। मस्तिष्क रेखा, हथेली में मस्तिष्क रेखा पर तिल हो तो व्यक्ति को सिर से जुड़ी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हृदय रेखा पर तिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसी स्थिति में हृदय संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। भाग्य रेखा पर तिल होने पर व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में सफलता के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। विवाह रेखा पर तिल होने से विवाह में देरी हो सकती है, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।